नियमितीकरण का वादा न पूरा हुआ न आधा, यह आवाज है अनियमित कर्मचारी संघ के संगठन के कर्मचारियों की, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद आज बैठक कर रहे हैं और ये देखने के लिए कि आगे क्या रणनीति बनेगी। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे गोपाल प्रसाद साहू जी, प्रांतीय संयोजक है अनियमित कर्मचारी संघ के। बैठकों का दौर भी हुआ, धरना प्रदर्शन का भी दौर हुआ, अब जो बैठक हुई है 21 मई को इस मुद्दे पर जी, आज प्रमुख रूप से हमारा जो आज का बैठक है नियमित जो भर्ती हो रही है जिससे हमारे साथी प्रभावित हो रही है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा और इसके परिप्रेक्ष्य में अनियमित आंदोलन को कैसे गति दें, इस पर आज पूरा डिस्कस हो रहा है। हमारे साथ संविदा कर्मचारी जो शिक्षा कर्मी महिला कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे भी हैं। लगभग 200 से ऊपर का दिन हो गया धरना प्रदर्शन में, बूढ़ा तालाब के पास धरना दे रहे हैं, आगामी की आपकी क्या सोच है, क्या रणनीति है? देखिए, हम तो अपनी एक ही मांग है, हमारे अधिकार की जो बात है उसी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। 20 अक्टूबर से लगातार बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हमको बुलाए और यही बात बोल रहे थे कि 1269 के लिए बजट नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो अभी 12,500 कुछ भर्तियां हो रही है उनमें हमको एडजस्ट कर दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि आप उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, आज घोषणा पत्र 4.5 साल कंप्लीट हो रहा है और नियमित भर्ती करते जा रहे, तो हम सभी कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य क्या है, और छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों को मैं रोजगार दे रहा हूँ बोलते हम ही लोग कहाँ जाएंगे जब वो व्यापन परीक्षा और दुनिया भर की भर्तियां निकाल। हाँ सर, मैं सरकार से और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत कल्याण संघ है प्रदेश स्तर पे, हमारा 10,900 संख्या है, उन सभी को छत्तीसगढ़ राज्य 1993 की धारा 70 में स्पष्ट उल्लेख है कि जहां जहां भी सरकार ग्राम पंचायत में भीतर की नियुक्ति कर सकता है और उस पद में जहां नियुक्ति करे और हम लोगों को वहां समुचित कर एक निश्चित मानदेय और स्थायीकरण की सौगात दे। ये सभी कर्मचारी संगठन है, अपने अपने अलग अलग कर्मचारी संगठन है जिन्होंने बात को रखी। कैमरामैन शिवा राव के साथ TV24 रायपुर।